राम राम जी। तो आज के वीडियो में ये मैंने आज जो कड़ा पूड़ी पैक किया था बच्चों का टिफ़िन में, उसका रिकॉर्डिंग किया है। सुबह सुबह ना बोलने का बिल्कुल मन नहीं होता, तो बस ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो कोई भी क्वेरीज हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इधर मैं फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ डेली के जो टिफ़िन्स हैं वही अपलोड कर रही हूँ, और भी सारी रेसिपीज़ देखने के लिए, अच्छे से एडिटिंग हुई हुई शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा दूसरा चैनल चेक कर सकते हो, पाहिल डायरी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ मैं आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा सा घी मिक्स कर रही हूँ। एक तो इससे पूड़ी बहुत खस्ता बनेगी, ऊपर से नमकीन पूड़ी का हलवे के साथ ज़्यादा मज़ा आता है दैन की वो फीकी पूड़ी हो। तो इसलिए मैं आटे को इस तरह से थोड़ा सा नमकीन कर लेती हूँ अच्छे से, उसमें नमक और अजवाइन को मिक्स करके। दियों के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल ही छोटे छोटे से दो पेड़े कर रही हूँ। देखते हैं वो एक खा के आती है कि दो खा के आती है, उसके भूख पे डिपेंड करता है। और देवास के लिए थोड़े बड़े पेड़े कर रही हूँ क्योंकि वो तो दो खा ही आएगा। तो आपके बच्चे क्या पूड़ी कड़ा पसंद करते हैं, कभी ट्राई किया उनको खिला के? हम पंजाबी लोग हैं, हम तो कड़ा पूड़ी बहुत खा लेते हैं, हर कोई नहीं लाइक करता। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया अपने बच्चे को देके परौंठी के साथ कड़ा या फिर पूड़ी के साथ, तो ट्राई करना, बच्चों को अच्छा लगता है। वैसे मैं जब टिफ़िन बनाती हूँ तो सुबह 15 से 20 मिनट्स में आराम से टिफ़िन बन जाता है, बट अब क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है तो मोस्ट प्रोबेबली डबल टाइम लग जाता है क्योंकि कैमरा थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को बेल आइकन के साथ,
ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। देखो भाई, मैं तो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम लोग कोई बहुत ज़्यादा फैंसी टिफिन्स तो बना के बेचते नहीं हैं। ऊपर से हमारी किचन में एग्स अलाउड नहीं है। मैं एग्स अलग से अपने रूम में बनाती हूँ इंडक्शन पे, तो मैं एग वैरायटी भी इंक्लूड नहीं कर पाती हूँ बच्चों के टिफ़िन में। और बहुत फैंसी टिफिन्स भी बच्चे खा के नहीं आते हैं, ना उनका पेट भरता। तो मैं रूटीन में जो बच्चों को पेट भरने वाला खाना देती हूँ मैं वही अपलोड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स मुझे मैसेजेस करते थे उस चैनल पे कि आप बच्चों को क्या खिलाते हो, आप वो भी शेयर करो। तो मैं इतना ज़्यादा उधर रेसिपीज़ में मिक्सअप नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अलग से ये चैनल ओपन किया जिस पर मैं स्पेशली अपने बच्चों की डाइट के बारे में डिटेल में बता सकूँ। तो मैं भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऐड करने की कोशिश करती हूँ बच्चों के टिफिन में, बिकॉज़ बच्चे बोर हो जाते हैं सिंपल फूड से। तो आई होप आपको अच्छा लगे ये सिंपल टिफिन्स में जो भी बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो ज्वाइन करिएगा मुझे, ताकि रोज़ रोज़ आप देख पाओ कि मैं क्या क्या पैक करती हूँ। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल सकें। तो मैंने यहाँ पर दिवांश को सिर्फ 4 पीस ही डाले और दिव्याना को ज़्यादा, बिकॉज वो ज़्यादा खुश होके खाती है। अब कल ही मैसेज आया दिव्याना की मैम का कि आप उसको स्टील का टिफ़िन भेज सकते हो। तो दिवांश का तो मशीन से नाम लिखा हुआ टिफ़िन पे, तो दिव्याना का मैंने नेल पॉलिश से लिख दिया ताकि वो टिफ़िन पहचान सके, बिकॉज अभी छोटी है। तो चलिए, डेली वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।